हेलो एंड नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन मैं मोनिया आमो आप स्वागत करता हूँ आप सभी का अरुणाचल का पहला टॉक शो इन अरुणाचल के सबसे लोकप्रिय एम एस किंग कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो सीजन पोर का पावर्ड बाय नेसल हमारा फूड पार्टनर है अरुणाचल हेरिटेज किचन गुमसर दैनिंग जे एस जयक्या मोकिंग बर्ड किचन और हमारा हॉस्पिटलिटी पार्टनर है होटल पीप्स एंड होटल ऑफ ब्लू एंड आवर डिजाइनर पार्टनर इज मोडा एलिगेंट एंड और पार्टनर इज वन ओनली अरुणी सो लेडीज इन जेंटलमैन आज हमारे बीच बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है उपस्थित है तो मैं उस शख्सियत से मैं uh, आप सभी से परिचय कराना चाहूँगा सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शक को हमारे व्यूअर्स को आप, आप अपनी परिचय खुद से लें फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बहुत प्राउड करता है हमेशा हम सबसे पहले हम धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहा है मतलब स्टेट में सबसे पहला एक तो फास्ट टॉक शो है जो कि ताइसन टॉक शो हर जितना भी जो दर्शक है जो स्टेज में जितना जो आर्टिस्ट है और जो भी एंटरप्रेनर है सबको बुला के प्लेटफॉर्म दे के इतना प्रमोशन कर रहा है सबसे पहले उसको मैं थैंक्स करता हूँ दिल से एंड सेकेंडली माय नेम इज़ तोपन रिमो देरी फ़िलहाल हम स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन का एस है और फाउंडर है काम द स्पार्क न्यूज़ चैनल का भी एक ऑनर है तो साथ साथ मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर में हूँ अभी एस आई में हूँ स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर अभी जो यूपी में पोस्टेड है डिस्ट्रिक्ट पारे डिस्ट्रिक्ट में सर सबसे पहले आप अपने परिचय कर दें और उसके बाद हम आपको हमारे तयसुन टोक शो पर बहुत बहुत वेलकम करना चाहेंगे सर आपको हमारे यहाँ तयसुन टोक शो पर आके कैसा लगा? वैसे तो सोशल मीडिया में बहुत देखते रहते हैं आज बहुत अपना कोई प्राउड फील कर रहा है कि मतलब पहला अभी यहाँ में आपका टॉक शो में आके बहुत खुश है और इंट्री मिला है पहले से तो दिल में सोचता था कब बुलाएगा कब हमको इनवाइट करेगा ये सम टाइम मतलब ऐसे फील करता था लेकिन सचमुच में हम ये यह यहाँ का जो एम डी सार एंगो सार को भी बहुत बहुत थैंक्स है हम लोग बहुत अच्छे से फ्रेंड है तो हमको उस दिन इन्वाइट किया ऐसे ऐसे चलो बोल के तो आज बहुत खुशी फील हो रहा है बहुत अच्छा लगा यहाँ में आके देर आए दुरुस्त है और सर आप हमारे यहाँ पे आए हम लोग भी दिल से खुशी है और आपको दिल है। से हम लोग स्वागत करते हैं तो सर आप अपनी बचपन की जिंदगी और अपने एजुकेशन के बारे में कुछ टिप्पणी बताएं तो कुछ किससे बताए okay. सबसे पहले सर थैंक यू वंस अगेन कि मेरा जो अपना लाइफ स्टोरी को बताने के लिए मौका दिया है तो मैं तो एक छोटा सा एक, एक गाँव का है जहाँ पे इसकामिंग जिले में पड़ता है जो फंक्चे वेलेज बोल के तो उसमें मेरा मम्मी पापा तो फार्मर है खेती करता है हम लोग सात बच्चा है तो ऐसे करके पहले का तो पढ़ाई लिखे अच्छा से भी एडुकेशन को इम्पोर्टेंट देता ही नहीं है काम करो घर में काम करो उसका बाद ये घर का जो भी काम करो उसका बाद मम्मी पापा को सेवा करो यही इस मतलब जा करता था एजुकेशन का इम्पोर्टेंट ही नहीं, नहीं था तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ के आया हम लोग का फंक्चे बोल के स्कूल है तो ऐसे करके वहाँ पे मम्मी पापा लोग काम लगाता है फिर स्कूल जाता है ऐसे करके मतलब थोड़ा तो केयरलेस टाइप जाता है और टीचर में भी टेक तक नहीं होता आ, है तो ना बस्ती में तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले ज़माना का ऐसे था फिर भी हम आफ्टर क्लास फाइव पास होने का बाद हम क्लास सिक्स में हम गवर्नमेंट पम्पुल सेकेंडरी स्कूल में आए जब कि सेकेंडरी स्कूल में आने का बाद तब हम दिल से मतलब पढ़ाई को सोचने लगा हम कुछ करना है बोल के बहुत निर्णय लिया है सोचा है क्योंकि मेरा मम्मी पापा तो फार्मर है कोई हमको खर्चा करने वाला नहीं था ऐसे करके हम खुद मेहनत करके एक ही कपड़ा पहनता था एक ही ड्रेस पहन के ऐसे स्कूल जाता था इवन क्लास में भी मेरा एक तो टीचर था उसको तो नाम नहीं लेगा उन्होंने भी कहा कि तेरा पेरेंट्स नहीं है है तुम एक ही कपड़ा कोई पहनता रहता है बोल के तो ऐसे करके उसी समय में हम बहुत दिल में निर्णय लिया हम कभी दिन अच्छा कपड़ा पहनने मिलेगा कभी दिन अच्छा खाना खाने मिलेगा यही दिल में उम्मीद हो की सोचता था तो ऐसे का पढ़ाई कंटिन्यू रहा क्लास तो सिक्स जैसे जैसे पास होने का बाद क्लास सेवन में हम क्रिस्टन में घुसा है युद्ध बन के है तो तब से हम ये पढ़ाई में और भी डिवोटेड हो गया ईटानगर राजधानी शहर के केंद्र में गंगा हनुमान मंदिर के पास स्थित है एक ऐसा स्वर्ग में आपका स्वागत करते हैं जहां सुंदरता शांति से मिलन होता है ईटानगर के प्रसिद्ध सैलून और इंस्टीट्यूट में से एक टॉपसी सैलून चंद्रनगर के साथ कोलाबोरेट करते हुए कार्की सैलून में यूनिसेक्स हेयर ड्रेसिंग और विभिन्न प्रकार के हेयर ट्रीटमेंट्स उपलब्ध है इंस्टेंट लो रिंकल कंट्रोल एंटी और डिटेनिंग जैसे रेडियंट फेशियल ट्रीटमेंट के साथ खुद को सुंदरता तो की दुनिया में डुबो दे आकर्षक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर लक्जरियस बॉडी मसाज और पेडिक्योर से लेकर अपनी रोजमर्रा की थकान दूर करने तक महसूस करें कि जब आप शरीर और आत्मा दोनों को फिर से रिजुविनेट करने के लिए हमारे डिजाइन किए गए ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं तो आपके सारी तनाव और थकान दूर हो जाता है तो कड़की सलून में हम सुंदरता के आर्टिस्ट्री में विश्वास करते हैं नील आर्ट मेकअप और आईब्रो में डिटेल क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं हमारी डेडिकेटेड टीम आपकी यूनिक रेडियंस को समान्य लाने के लिए प्रतिबद्ध है कड़की सेलून में ब्यूटी और रिलैक्सेशन के प्रत्येक का अनुभव करें तो देर किस बात की अभी अब अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और कार के सैलून में ट्रांसफॉर्मेटिव एम्बियंस में अपनी सुंदरता को शाइन होने दें जहाँ से आपकी सेल्फ एनहेंसमेंट की यात्रा शुरू होती है तो प्रार्थना का साथ में हम कंटिन्यू मतलब ईश्वर को एक दो रुपया मिलता है थैंक्स दे के वही जस्ट प्राई के लिए हम थैंक्स देता था ऐसे करके कंटिन्यू प्रार्थना का साथ करते गया तो प्राई भी साथ में ये करते गया तो इसका मतलब, क्लास सेवन पास होने के बाद मतलब फाइनेंशियल में बहुत प्रॉब्लम हो गया था तो ऐसे करके मामी पापा बस्ती जाने से पैसा तो मिलता नहीं है ऐसे करके बीस रुपया देता है कभी पचास रुपया ऐसे करके तो लास्ट में हम लेने लिया ने, हम कुछ करना पड़ेगा बोल के तब जाके हम हजारा काम शुरू हो गया क्लास अब तक क्लास सेवन का बाद एवरी वेकेशन में हम काम शुरू किया तो उसी समय में फर्स्ट पहला मेरा ये क्या बोलता है ये हाजरा कम करते समय पर डे में दिन रात करने दिन भर करने से ट्वेंटी फाइव रुपीज़ मिलता था उसी समय में ऐसे तो तो करके सर आपका पढ़ाई और आपका काम में मैनेजमेंट में बहुत असर हुआ यस एग्जैक्टली बहुत तकलीफ था फिर भी एक ऑप्शन नहीं था खाने के लिए नहीं था ऐसे करके बहुत कष्ट ऐसे ज़िंदगी मतलब उसमें गुजर आता तो पढ़ाई भी करना है फाइनेंशियल भी तो जरूर रहता है बोल तो हम वे के समय एवरी वेके समय काम करता और जब छुट्टी का दिन होता है उसमें भी हम ये हाजरा काम करने लग गया तो ऐसे करके क्लास सेवन का बाद शुरू किया एवरी विकेसन तो एट पास हो गया उसका बाद नाइन उसका बाद क्लास टेन पहुंच गया तब, तब तक तभी तक तब तक के लिए हम हाजरा काम ही करके फिर करता है फिर एडमिशन के लिए फिर किताब खरीदने के लिए फिर कपड़ा ये सब करके मैनेजमेंट खुद ही करता था तो अब तक क्लास टेन पास होने के बाद हम साइंस में बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन मेरा मामी जो पापा जो बोला है कि साइंस में तो हम खर्चा कर नहीं सकेगा क्योंकि साइंस जो डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने वाला बहुत पैसा फेंकेगा मेरा पास ऐसे कैपेसिटी नहीं है तो मैं क्लास टेन में भी हम फिफ्टी थ्री परसेंटेज लिया था उसी समय आप सोच के देखिए उसमें ना प्रैक्टिकल था ना क्या था आपको हर सब्जेक्ट को थर्टी थ्री से ऊपर पास करना ही पड़ता है तो ऐसे करके उसमें भी हम बहुत डिस्करेज हुआ है अरे हम साइंस में जाना चाहता लेकिन मौका नहीं मिला उनके उसमें भी बहुत दुख था फिर भी हम सोचा नहीं हम जो भी हो जैसे भी हम हमको पढ़ना है आगे बढ़ना है ये सोच के हम कोई बात नहीं हम उसमें पहला इस कमिंग में हम लोग जो कॉमर्स हम लोग फर्स्ट बेचे हायर सेकेंडरी स्कूल में हम सिपा में फिर से एडमिशन हो गया कॉमर्स में था साइंस में तो हम नहीं कर पाए तो ऐसे करके कॉमर्स में ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर में या ये टें पास होने का बाद तो उसका बाद भी फाइनेंशियल में और प्रॉब्लम होते गया क्योंकि आगे कोई नौकरी करने वाला नहीं है कोई सपोर्ट वाला नहीं है बैकग्राउंड बे, कोई भी, भी नहीं, नहीं, नहीं था हाँ मम्मी पापा जरूर प्यार करता है लेकिन फाइनेंशियल में बिल्कुल भी, भी सपोर्ट वाला नहीं था ऐसे करके और स्ट्रगल करना पड़ा समाइम ऐसे सोचता था कि क्या पढ़ाई को ऐसे कर्जा करने वाला नहीं है तो हम छोड़ देगा क्या मतलब गिव अप कर देगा ऐसे भी सोचा था लेकिन हम सोचे कि नहीं हम इतना मेहनत करके आया है और हम आगे बढ़ना है और हम पढ़ाई करना है बल्कि उसमें हम फिर कुछ से भी यस अपना को और मतलब मोटिवेट करके हमको और कुछ करना है बल्कि साथ तो साथ में प्रभु का साथ में हम हमेशा प्रार्थना में बने रहे प्रभु को नीच हो रहा है प्रार्थना करते गया साथ साथ क्लास जब एलेवे कॉमर्स पास होने का बाद उसमें हम फिर से विकेशन में काम किया है अभी कॉलेज भी जाना है ट्वेल्व में ये क्या बोलता है वो ट्यूशन भी लेना है कॉमर्स तो टफ होता है तो ऐसे करके फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो गया था तभी भी हम हार नहीं माना एलेवेंथ पास होकर सीधा वेकेशन में हम दो महीना लगातार फिर से हम हाजरा काम करने शुरू हो गया तब तक के लिए उसमें ये पार दिन बार करने से एक सौ रुपये मिलता था उसी दिन जबकि हम शुरुआत में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ था ऐसे करके कम लगातार मतलब ये हाजरा काम करने में बिजी हो गया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस का वजह से अगर काश मेरा कोई भैया जो भी कुछ नौकरी से हो कर, अगर हमको देखने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला होने से सचमुच में हम बहुत खुश होना था लेकिन भी हम वो चीज़ को हम पॉजिटिव लेते गए mm. हम हार नहीं माने हम इतना तक दिल में उम्मीद था कि एक दिन ज़रूर हम कुछ इंसान बन के दिखाएगा सोसाइटी के लिए नाम कमाएगा अपना अपना परिवार के लिए नाम कम ये सिर्फ उम्मीद में रह के हम अपना आपको हम दाव पे रख के हम मेहनत करते गए बिल्कुल सर मतलब आप आप में इतना जुनून था आप में इतना फैशन डेडिकेशन था कि मतलब जिद था कि हमको ये चीज़ करना है लगन से करना है दिल yes. से करना है क्योंकि ऐसे में तो लोगों के पास बहाना रह जाता है कि मैं इसीलिए नहीं कर पाया yes, मैं exactly. इसीलिए मैं पीछे हट गया लेकिन आपका जो कहानी है सच में बहुत काबिल तारीफ है आप आप और बहुत इंस्पायरिंग है तो आप खुद को मतलब कैसे पुश मतलब कभी कबार होते हैं ना जब एक तकलीफ या दो तकलीफ में चलो हम वो आगे भर लेगा स्कॉलर लेगा इतना जब आता है तो कैसे पुश किया खुद को ऐसे था जब 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 हमको मुसी, मुसीबत में होता है तकलीफ में होता है तब तक तब, तब हम और मेरा मैंटलिटी और भी हम स्ट्रोंग बना मतलब डिसीजन मेकिंग में हम और भी इस्ट्रॉन्ग हो गया था क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है तो आदमी का एक सोचने में रास्ता ढूंढता है तो ना तब तब तक हमारा और भी मतलब इस्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसमें जब हम तकलीफ महसूस करता है तभी और अपना आपको को ही मोटिवेट करता है हम कि हमको कुछ करना है आगे बढ़ना है एक बार ऐसे हो गया कि जब क्लास ट्वेल्व में एक बार कंपात हो गया था तो उसी समय में भी मेरा मम्मी पापा आके ऐसे गाली दे के गया है कि तुम इतना साल बाद पढ़ाई किया तुम दोस्त लता अभी कॉलेज चला गया अभी तुम में सार के मात पढ़ो घर में बस्ती में जाके अभी खेती करो okay. बोल के इतना मॉरल डाउन लो के वो बस्ती <laughs> चला गया लेकिन हम बहुत सोचा है हाँ एक पॉइंट वो भी सही है ना मम्मी का भी पिताजी का भी सही बोला है लेकिन हम सोचा है ठीक है कहीं ना मेरा भी कमज़ोर हुआ होगा मेरा वीकनेस था होगा हम कुछ नहीं और हम ट्राई करेगा बोल के तब एक दिन मेरा मम्मी पापा का बस्ती में जाके हम बात किया है आप चिंता मत करो हम आपका बेटा जब तक स्ट्रॉन्ग है हम आगे बढ़ेगा ना जो आगे जाने वाला जाने दो बोल के हम समझा के चला गया तब से हम फिर से री से हम पढ़ाई किया क्लास ट्वेल्व को हम हार नहीं मने जैसे पहले स्कूल जाता है दिल्ली जाता है वैसे ही हम जाके उसी साल में जैसे तैसे क्लियर करके डी कॉलेज में आ गया लेकिन हम हमेशा प्रभु को नीच और था हमेशा प्रार्थना का से चलता था जब से कॉलेज में आया तब से मतलब आज तक खराब नहीं हुआ है ना पढ़ाई में और डिवोटेड होते गया ये डी कॉलेज में कॉमर्स में ज्वाइन था बीकॉम में उसमें भी हॉनर्स के लिए हम ही इसका में से था मतलब और आगे जाने में मजबूतली exactly, हाँ, exactly. हम बस इतना ही हम hmm. उम्मीद करते हैं कि होगा मतलब कभी ना कभी दिन जरूर हम भी अच्छा इंसान बनेगा अच्छा कपड़ा पहनने मिलेगा खाने मिलेगा अच्छे से सोने मिलेगा यही सिर्फ हम दिल में रख के रखते हुए अपना आपको मोटिवेट करते गए हमको कुछ करना है बढ़ के तो उसके बाद ये कॉलेज में आने का बाद सच में उसमें और भी हम स्ट्रगल तो किया है करके क्रिश्चन चर्च में भी जाके बहुत रेगुलर प्रभु का काम भी करता था ऐसे करके और भी प्रभु जी रास्ता खुलते गया तो अब तक ये ग्रेजुएशन करने का बी एन में ग्रेजुएशन करने का फिर हम यूनिवर्सिटी में आर में अप्लाई किया तो उसमें हम मास्को में, में मिला ये जर्नलिस्ट में तो डिप्लोमा मास्को में ज्वाइन किया है तो और हमको अच्छा लगा ये ये लाइन ना तो उसका बाद वहाँ में जब पढ़ते वक्त भी ये फिल्म मेकिंग का तौर में तो ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा लगा ये चीज़ उसका डिग्री किया है ये एम ए मास्क कम्युनिकेशन फील्ड से जॉइन किया है तो ऐसे कर डिप्लोमा करके फिर एम ए मास्क कम्युनिक किया उसका बाद फिर हमको एम कॉम करना है एम कॉम भी किया है करके मतलब बहुत अच्छा लगा हम जितना जो अभी हम फील करते हैं कि हम जितना पढ़ाई किया पहले तो उम्मीद भी नहीं था इतना तक हम यूनिवर्सिटी तक जाएगा बोल के उम्मीद भी नहीं थी लेकिन आज हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप को भी बिकॉज ऑफ मेरा माई हार्ड वर्किंग की वजह से हम आज आगे बढ़ा है बिल्कुल और वो इतना तकलीफ देखने के बाद भी जब आदमी आगे बढ़ते हैं तो मतलब पीछे हटने मन नहीं होता है वो जो तकलीफ से जो लड़ा लड़ता है उससे इंस्पायर हो जाता है और के जो तकलीफ मिलने वाले जो बाधाएं आने वाला है कठिन मिलने वाले है उसके लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहते हैं और जो हमारे जो आजकल के कुछ लड़के मतलब बाकी सब नहीं कुछ लोग लड़का लड़की या यूथ लोग कोई कोई मतलब सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद भी वो लोग बोलते हैं कि अपना फैमिली को खोजते हैं या खुद का मतलब वीकनेस को उल्टा उल्ट ध्यान नहीं करके मतलब जो चीज़ करना चाहिए कि जहाँ पे वो लोग को काम करना चाहिए उस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करते हैं तो यूथ के लिए भी बहुत मतलब एक अच्छा नॉलेज है अच्छा लेसन है हमारे सार आपको सर आपको इतना जो पहले इसकी पास्ट के बारे में जो बताया हैं कि इतना तकलीफ होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इसका जिद जुनून डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन इसको आज यहाँ इस मुकाम तक उसको लेके आए सर सर के लिए मैं दिल, स, दिल से आपको मैं धन्यवाद देना करना चाहूँगा क्योंकि जो आज मुकाम है आप डिजर्विंग मच तो सर तो आप ये, इन सब के बाद आप कैसे करके ये मूवी लाइन में आ गए सर ओके हाँ आपको हम अभी पहले बताया था जो हम ग्रेजुएशन करने का बाद ये डिप्लोमा मास्को में ज्वाइन जुइनिंग yes, में आर जू राजमान यूनिवर्सिटी में जुइन हुआ तो उसका मैं डिप्लोमा जब करते समय ऐसे मतलब वहाँ में सिखाता है ना सार लोग कुछ मूवी मेकिंग का बारे एडिटिंग ये सब वहाँ में पढ़ाई करते वक्त भी हम ऐसे क्या क्या एक्टिविटी असाइनमेंट देता करते बहुत इंटरेस्ट लगा तो उसके बाद हम ने हम अभी डिप्लोमा तो वन ईयर होता है ख़त्म होने का भाई हम सेटिस्फाइड नहीं और हमको मास्टर करना है एम ए मास कम्युनिकेशन करना और हमको ये चीज़ अंदर घुस के देखना है बोल तो इसके बाद हम एम ए मास कम्युनिकेशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो क्वालिफाइड हो गया तब जाके फिर हम बहुत अच्छा से मतलब पढ़ाई करने शुरू हो गया ये मेन जर्नलिज्म क्या चीज़ है मास मीडिया क्या है बोल के हम स्टी क्या है तो करते करते ऐसे बीच में जो हम लोग का अरुणाचल में फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर में आ। तो उसमें हम लोग भाग लेता है शॉर्ट मूवी का थ्रो में पार्टिसिपेट करता है ऐसे करके वही से बहुत इंक्रेजमेंट हुआ है हमको ये लाइन बहुत यूनिक वाला चीज़ है क्रिएटिविटी ये मूवी लाइन जो ना एक हम लोग जब बनाता है और देखता है लोग हंसाता है कोई रोता है मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये जो फिल्म लाइन बोलने से क्योंकि जो मूवी बोलने से तो एक जो करेक्टर का ऊपर में खेलता है तो ऐसे करके वहाँ में बैठते बैठे आजू में मास कम करते है, करते है, हम जैसे भाग लेता है कंपटीशन में ऐसे करके ये लाइन में गुजरे तो कुछ अवार्ड मिलता है तो और हमको इंटरेस्ट लगा है नहीं हमको ये लाइन में पकड़ना जाना है बोलें तो उसका बतूत है सिक्सटेंथ में हम मास कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया था तो खत्म होने का बदते हम जहाँ पे हम जब हम वहाँ में हॉस्टल में बैठ के हम ये एक तो टी एन टी फिल्म ये एक तो है या जे सेशन एक फिल्म बनाता है एक तो हम लोग का मणिपुर आदमी है वही वहाँ में स्टूडियो खुला है तो वही में हम आके जब मास्को में वहाँ में करते समय उस में बैठे समय आके हम वहीं में आके हम ये कुछ फ़ोटो खींचने के लिए वो सार जो बेचता था तो हमको पाँच सौ रुपया देता था एक हज़ार देता था कई प्रोग्राम में जाने के लिए वहाँ से उसू से आ आके ऐसे कभी कभी बुलाता है ऐसा कहते करते करते है, जब टू थाउजेंड सिक्सटीन में आप कम खत्म हो गया तो वो सार का पास हम गया है तो सार जो बोला एक दिन रीमो आप इसको ये स्टूडियो इस को ले लो बोल के ना ये आप इंटरेस्ट है तो उसमें ले लो बोल के वो आपको फ्री में दे दिया नहीं नहीं, नहीं उसका बाद क्या किया हम ले लो बोला है तो कितना आप फ्री में दे रहे है ना ये पैसा कितना मंगेगा बोल के वो जो पैसा जो फोर लेग जैसे मतलब फोर लेक आपको देना पड़ेगा बोल के ना वो स्टूडियो क्या सामान वगैरह पूरा आप लेने से आप फोर लेक्स देगा बोल के तो हम तो बहुत जोश में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं हम सोचता था इन ये फिल्म लाइन में जिसे भी हम जाना है बोल के तो उसका बाद वहाँ में ये स्टूडियो को हम ये कर लिया एग्रीमेंट करके ये वन ईयर्स अंदर में और कंप्लीट आधा पेमेंट दिया है आधा जो बाद में काम करते देगा बोल के तब तक के लिए हम ऐसे करने के बाद वहाँ में स्टाफ रखा है तो कंटिन्यू एक दो महीना किया है प्रोग्राम में कोवरेज करता है और शॉर्ट मूवी बनाता है ऐसे करते करते कि हम दो महीना जैसे रानी रहता तब हमको ये नौकरी मिल गया था ओ, तो एफ में मिला था जो इकोनॉमी स्टेटिक डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्ट हमको आन में पोस्टिंग दे दिया ओ, तभी भी हम ये स्टूडियो का अभी चुना भी नहीं चाहते ना ऐसे ओ, करके वहाँ में स्टाफ रख के वो लोग काम करने वाला रख के हम निकल गया था वहाँ में वहाँ बैठ के भी हम आता है छुट्टी लेके आता है फिर यहाँ में काम करते हैं ऐसे करके जब जब भी ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है हम हम नीचे उड़ते हमेशा हम शॉर्ट मूवी पार्टिसिपेंट करता था तो सबसे पहले ये टू टाइम सेवन टीन में फोर्थ अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें हम भाग लिया था जो क्लिनिज अरुणाचल बोल एक थीम दिया था उसमें एक मेरा एक शॉर्ट मूवी है यूटिलिटी बोल के उसमें भाग लिया तो मेरा फर्स्ट रनर अप जीता था तब से हम ये चीज़ को हम और मतलब मोटिवेट और भी इंकरेजमेंट देने लगे हम कोई जैसे भी ये इसको करियर ये चीज़ को हम फिल्म मेकिंग को आगे लेके जाने तो ए

स्टेट फर्स्ट फिल्म अवार्ड में oh. उसमें भी हमको बेस्ट डीओपी ऑफ द ईयर में मिला था तो ऐसे करके मतलब एवरी ईयर मतलब स्टेट में इतना मतलब अचीवमेंट लेते ah, गया हाँ उसका बाद हम सोचे नहीं अभी हमको नेशनल में इंटरनेशनल में अभी टारगेट करना है ah. इस, स्टेट में कितना अवार्ड लेगा ना अब ऐसे सोच के हम निर्णय लिया है तब जाके हम एक शॉर्ट फिल्म बनाया hmm. था द स्लीपर बोल के hmm. द स्लीपर एक शॉर्ट मूवी जो लॉकडाउन का समय में था टू hmm. में तो ऐसे रकम इंटरनेशनल में शामिल किया है जो रोसानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वो मुंबई में ऑर्गेनाइज़ किया था हम ऑनलाइन का थ्रो में या में हम भेजा है तो उसका बाद फर्स्ट पहला वाह में मेरा जो बेस्ट शॉर्ट फिल्म में मिला था जबकि वहाँ में ट्वेल्व हंड्रेड प्लस ऑल ओवर कंट्री कंट्री से पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड में उसमें से मेरा बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला था तो उसका बाद और मतलब मेरा जो हम हो मोटिवेट होते, हाँ। होते गया मेरा अपना जो सोसाइटी हाँ। बहुत सपोर्ट करने लग गया मतलब अप्रिशेट किया है और हम लोग का जो अरुणाचल का फिल्म फेडरेशन ने भी हाँ। बहुत सपोर्ट किया ऐसे करके सोशल मीडिया में भी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्रिंट मीडिया लोग बहुत पब्लिश करके प्रमोशन भी हाँ। कर दिया उसका एक हम शॉर्ट फिल्म बनाया जो थ्रोमा बोल के मेंटल हेल्थ के ऊपर में बेस्ट किया था उसमें भी एक रियल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसमें भी बेस्ट फिल्म मिला था उसका बाद तब तो मैं हमारा जो हॉनरेबल ये पी एम ये या क्या चीफ मिनिस्टर एसी, एसी। पेमा खान्डू सर जो अपना पेज में भी उसको पब्लिसी कर दिया उस समय बहुत कुछ था क्योंकि बहुत, बहुत बड़ा यस सर क्योंकि हमेशा हम सोचता था सीएम एकदम अपना पेज में, में मेरा कुछ तो नाम आना है कुछ, कुछ, कुछ नाम प्रमोट करना है ये हम बहुत ड्रीम करता था तो सच में उसी समय वो मोमेंट में हमको बहुत अच्छा लगा तो ऐसे करके इंटरनेशनल में जीता है रिसेंटली भी इवन एक तो शॉर्ट में शॉर्ट फिल्म बनाया था इम्प्रेस के तो वो शॉर्ट फिल्म जो जो इस बार जो निशी फर्स्ट ए बार निशी फिल्म फेयर अवार्ड में उसमें शॉर्ट फिल्म मेरा विनर जीतता है एक लाख रुपया जीतता है थैंक यू सो <laughs> वो शॉर्ट फिल्म को हम फिर से इंटरनेशनल में शामिल किया है तब रिसेंटली ने एक आइडल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिर मेरा बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला गया था ऐसा करके हाँ बहुत कुछ ऐसे और छोटा मोटा बहुत कुछ शॉर्ट फिल्म बना के अवार्ड बहुत उसको था हम कौन भी नहीं है ऐसा करके बहुत आज हम बहुत खुश है ये चीज अवार्ड लेके बहुत खुश है मतलब जो पहले का लगन मेहनत पूरा अभी आपको पेवेक कर रहा है ये जो तकलीफ था ये ये वो सब पूरा आपको पेवेक कर रहा है एग्जैक्टली exactly, yes, बहुत स्ट्रगल किया है ये लाइन में पहुंचने के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत तो कर रहा है अभी तक सर आप कितना फिल्म प्रोड्यूस किया है वैसे मेरा स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन में

ये काफ़ी मतलब यहाँ का पब्लिक बहुत पसंद करता ये मेरा है मेरा मम्मी सजेस्ट किया था ये मूवी देखने के लिए तो मैं हम तुमने थैंक यू सर और शॉर्ट फिल्म तो बहुत बनाया है। कुछ -कुछ, है कुछ कुछ चीज़ को अभी YouTube में डाला है कुछ कुछ चीज़ को डाला भी नहीं है और एल्बम डॉक्यूमेंट्री वगैरह टोटल कम से कम ट्वेंटी थर्टी समथिंग ऐसे बना चुका है अभी तक तो का इस स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन में इतना था हम लोग वही बैनर में बना चुका है

क्रिएट करने में बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है एक डायलॉग लेखने में ये चीज़ हम लोग नहीं समझते इंसान जो टेक्निकल है वो वही लोग समझेगा ये चीज़ को लेकिन हम बता रहे ये ये लाइन में ये इजी बने बहुत हार्ड वर्क चीज़ है आपको आर्टिस्ट को मैनेज करना पड़ता है आर्टिस्ट को साथ में कोलाबरेट करना पड़ता है अगर अच्छा अगर आपको एक्टिंग चाहिए तो एक फिल्म को हिट होने देना चाहता है तो आपको पैसा भी डालना पड़ेगा और बहुत कुछ यहाँ में इन्वॉल्व है बहुत, बहुत इफोर्ट डालना पड़ता है।, है इसलिए बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस तो मिला है आर्टिस्ट लोग से भी कोई कोई तो एक बार करने का नहीं सके मतलब गिव अप करने वाला भी बहुत सा देखा है और कोई कहे तो नहीं कुछ करेगा ये लाइन में जाएगा बोलना अभी जिससे रिनू आदो देखा होगा काफ़ी इतना नाम है क्योंकि रिनू आदो जो मेरा प्रोडक्शन हाउस से स्पॉप फिल्म प्रोडक्शन से हम लोग फर्स्ट उसको ही हम एक्ट्रेस ले आता तब से अभी कितना उसका फ्लोइंग है बहुत लोग पसंद करते हैं

बेकूफ़ हो जाएगा एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ में आपको कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं <coughs> हो, <coughs> का हो सकता आप तर टेन ईयर्स का बाद फिफ्टीन ईयर्स का बाद काल को यह मूवी लाइन फिल्म इंडस्ट्री होने का बाद फ़ायदा हो सकता है अभी तक का फिलहाल देखने से तो आपका पैसा ही जाएगा बहुत अफोर्ड आपका मेहनत जाता है लेकिन हम सोचते हैं कि ना हम तो कभी गिव अप नहीं करेगा अगर मेरा पास पैसा और हम डाल के हम

लोग जब yes. आ, उसको मूवी को आए ऐसा सिर्फ हम लोग इतना मेहनत होते तो आप उसमें मतलब उस उस समय कैसा फील आता है आपको आप जब मेहनत इतना करते हैं दिन रात पैसा कम है फिर भी मेहनत करने का मूवी प्रोड्यूस कर लिया ऑडियंस yes. का रिएक्शन मतलब आपका काम को और आपका जो डेडिकेशन को नहीं देख के जो चीज़ कमी है जो चीज़ हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते उसको ले जब ट्रोल करते हैं तो कोशिश को इग्नोर करते है तो कैसा फील आता है उस वक्त क्या फील आता है देखो यहाँ हमारा प्रदेश में और बोल के नहीं है और ऑल ओवर द वर्ल्ड में यहाँ में आप अच्छा काम करो तभी भी लोग बोलता है और खराब काम करो तभी भी लोग बोलता है लेकिन हम सोचते हैं कि जब अगर हम चीज़ को काम करता है चीज़ को अगर आगे लेके जाना चाहता है तो ये ट्रोलिंग ये चीज़ को हम हमेशा पॉजिटिवली लेते हैं उसको हम कभी भी सुन के हम अपना को एकदम गिव अप करेगा बिल्कुल भी ये तौर में नहीं रखता है एक तरफ वो अच्छा है हमको ऐसे लगता है कि ये ये जो ट्रोलिंग चीज़ को हम अपना आप हम ये फील करता है कि ये इन तरह की आपको पूछ करा मोटिवेट करा हम ये चीज़ पॉजिटिवली सोचते हैं इस चीज़ में अच्छा करना है बोल के मोटिवेट यस ये जैसे कि अभी ये फिल्म मेकिंग में हम लोग यहाँ बनाते हैं तो लोग आराम से बोलते हैं कि क्या फिल्म बनाए क्या ये क्या ये एडिटिंग किया है क्या सिनोमेटिव किया है बोल के लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और क्या फिल्म बनाए ये आराम से बात करता है लेकिन इसको भी हम पॉजिटिवली लेता है हो सकता है वो उसका पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता होगा या हो सकता है मेरे लिए इम्प्रूवमेंट इंप्रु, करने के लिए या इनक्रेजमेंट कुछ मॉडिफाई करने के लिए कुछ बोल रहा होगा पॉजिटिवली इसको हम ने, ने, ले लेता है ये जो ट्रोलिंग करता है और जब जब ये ट्रोल करता है हम तो अच्छा लगता है उसका मतलब हम बहुत आगे जा रहा है ये हम फील करता है काफी लोग से हम आगे निकल रहे हैं ये कभी कभी हम इसको पॉजिटिवली लेता है बिल्कुल बिल्कुल और पॉजिटिव लेना भी चाहिए यस एग्जैक्टली तब खुद खुद में भी चेंजेस बहुत yes. ला पाएगा और लोगों को भी मतलब मतलब सोच बाद में बदलने तक का मतलब स्ट्रगल भी कर पाएगा और ऐसे भी होता है ना जिसे हम अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हो सकता है दूसरा का मैं दूसरा नज़र में हम गलत भी कर रहा होगा तो क्या पता वो अच्छाई के लिए मेरे लिए बोल रहा होगा तो ऐसे करके हम इसको पॉजिटिवली लेते हैं और इंसान जो ये चीज़ को हम लोग अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहता है आगे बढ़ना है तो हम लोग ये चीज़ को कभी भी मदारिश नहीं करना है पॉजिटिवली लेके आगे जाना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए चीज को और आपको मतलब अभी अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री में कितना चेंजेस आ गया पहले जब शुरू कर रहा था और अभी जो अरुणाचल का मूवी इंडस्ट्री है आप उसको किस नज़र से आपको आपका व्यू से देखता है कि कितना चेंजेस आ गया उसमें फिलहाल फाइव इयर्स बैक में तो हम जितना तक देखा है उसमें काफ़ी लोग कोई कोई इंटरेस्ट वाला मतलब बनाता है कोई नहीं बनाता है क्योंकि यहाँ में कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है ऐसे उसके आदमी लोग मतलब डेम क्यार करता है और देखने वाला भी इतना पसंद नहीं करता है क्या है मूवी बोल के लेकिन नो ए हम जितना जो अभी मूवी प्रोड्यूस कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं रिसेंटली रिलीज हुआ है जो क्या बोलता है वो संगे गाय है, है। मैंने उसको भी देखा है बहुत उसका टेक्निकली बोलेगा बहुत अच्छा है हो सकता है जो स्टोरी में तो आपदान होता हाँ। है इसे वो अपना ऊपर में डिपेंड करता है लेकिन टेक्निकली बोलेगा क्वालिटी बोलेगा काफ़ी इम्प्रूव कुछ, है यस कुछ एग्जैक्टली मतलब yes, exactly. और देखा है ऑडियंस भी इतना मतलब ऑडियंस भी आया है मतलब उसका मतलब पता चल रहा है कि अभी अरुणाचल में बहुत आगे बढ़ा है मूवी मेकिंग ये जैसे कैपिटल मूवी है लोग पसंद करता है तो ऐसे के बहुत सारा ऐसे मूवी भी अभी आने वाला है तो देखा है काफ़ी अरुणाचल में अभी इम्प्रूव हो रहा है और लोग भी पसंद कर रहा है देख रहा है ऑडियंस सपोर्ट कर रहा है हमको तो बहुत खुशी हो रहा है हम तो अभी फिल्म नहीं बना रहे हैं टू थाउजेंड नाइन्टीन का बाद हम फीचर फिल्म नहीं बनाए लेकिन जो बना रहा है देख रहा है ऑडियंस लोग इतना अप्रिशिएट कर रहा है सपोर्ट कर रहा है हम तो बहुत प्राउड कर रहा है कोई ऐसे करने वाला भी होना चाहिए पैसा डाल के बनाने वाला भी होना चाहिए तभी तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगा यह हम समझते बहुत कुछ आगे निकल रहा है बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, exactly. है। सर अब आप जो फिल्म मेकिंग का अलावा किस किस फील्ड में रुचि रखते हैं इंटरेस्ट होता है मतलब स्पोर्ट हो गया या कोई भी सिंगिंग डांसिंग या कुछ भी मतलब मूवी मेकिंग के अलावा अच्छा फिलहाल तो आप लोग देख रहा होगा जो न्यूज़ चैनल भी हम ओपन किया था द स्पार्क न्यूज़ में वो, वो भी स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन का अंदर में हम जो एक द स्पार्क न्यूज़ खोला यह, यह, है यहाँ यह, पे बहुत सा मेरा स्टाफ है कैमरा मैन लु है रिपोर्टर लु है और रिसेंटली दो तो, टू तो थ्री मंथ पहले वहाँ कॉलोरिंग में भी ब्रांच खुला गया है द स्पार्क न्यूज़ ऑफिस का तो इससे यहाँ में भी ये न्यूज़ चैनल में भी हमको बहुत इंटरेस्ट लग रहा लग रहा है धीरे धीरे क्यों बोलने से यहाँ में बहुत सारा अरुणाचल में ऐसे है डेवलपमेंटल के लिए बहुत सारा आ, मतलब करना है तो कुछ मीडिया का थ्रू में मतलब ये चीज़ को लेके जाना ऑथेंटिक और पब्लिक को लोगों का इंटरेस्ट को समाज का इंटरेस्ट को पहुंचाना हमको बहुत अच्छा लग रहा है सब ये सोशल वर्क के लिए तो ये चीज़ में हमको बहुत अच्छा लग रहा है जैसे मेरा अभी अंदर में भी ये न्यूज़ चैनल में स्पार्क फिल्म प्रोडक्शन का अंदर में भी काफ़ी टर्टिन फोर्टिन स्टाफ है तो वो चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो ये जो मेरा अदर एक्टिविटी बोलेगा तो जैसे समाज के लिए जो हम काम करते हैं जैसे कि रिसेंटली और मेरिट का प्रोफेशन शो देखा होगा शो चल रहा है उसमें हम इवेंट डायरेक्टर था ऐसे ये चीज एक्टिविटी करना हमको बहुत पसंद करता है ये चीज़ समाज के लिए जैसे अवेयरनेस करना ये चीज़ हमको बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये गाना साना ये सब तो हम इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन हम जरूर हम ये चीज़ को भी ध्यान देते हैं क्योंकि मूवी मूकिंग का ये कनेक्टेड है connected तो ये चीज़ को, है। भिल्कुं। भिल्कुं भिल्कुं। चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकता है तो इसलिए ये चीज़ में भी हमको इंटरेस्ट देता है और कुछ कुछ चीज़ में आर पार्ट में हम थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देता है ये मेरा अदर एक्टिविटी बोलेगा तो ना क्योंकि लाइफ में लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ कुछ पार्ट में भी आपको इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है तो सर अभी कुछ एनी अपकमिंग मूवी आपका कुछ मूवी आने वाला हो या फिर अभी फ़िलहाल तो हम स्टोरी राइटिंग कर रहा है एक मूवी के लिए हम मतलब बड़ा सोच के रखे अब ऑलमोस्ट स्टोरी तो कंप्लीट होने वाला है तो कब बनाएगा उसको अभी नहीं बोल सकता है नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे आता है चलो मूवी बनाएगा हम प्रोड्यूस करेगा अब इतना सारा अवॉर्ड लिया है आपका पास तो क्वालिटी है आपको ब्लैंडली पैसा पेकेगा बहुत सारा ऐसा अभी भी आ रहा है लेकिन मेरा पास टाइम नहीं होता है ना ये सब बनाने क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट सर है तो ड्यूटी करना पड़ता है उसका बहुत फैमिली को चलाता है भाई बहन बहनों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना पड़ता है उसका भी न्यूज़ चैनल का स्टाफ है उसमें भी ध्यान देना पड़ता है और अदर एक्टिविटी जैसे सोशल वर्क है क्या क्या डोनेशन ड्राइव वगैरह बहुत सारा चीज़ ऐसे करने का वजह से ना ये चीज़ में

वो लोग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम फील करते हैं कि ना सब कोई के परिवार वाला है बीबी बच्चा वाला है कोई रिसेंटली ग्रेजुएशन करके मीडिया में ज्वाइन किया है तो वो लोग को भी ध्यान देना पड़ता है बहुत तकलीफ तो है लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत सया में इन ये अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि इतना ग्रेजुएशन करके रखा है तो लोग को ये लोग को जो हम प्लेटफॉर्म देना हमको बहुत अच्छा लगता है जैसे वो लोग पढ़ के आता है ऐसे बैठा हुआ है तो एक प्लेटफॉर्म हम इसलिए ये न्यूज़ चैनल भी क्रिएट किया कि ताकि लोग यहाँ में काम करें और अपना को पहचान बनाए एक दो रुपया जो भी अपना पॉकेट मनी के लिए खर्चा निकल सके और लोग को पहचान बनाए ये आ, हम सोच के प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया इस्पेशली ये उसके लिए सोच के हम करते हैं ना कि हम पैसा कमाएगा बिल्कुल भी मेरा तो नहीं है हो सकता आफ्टर टेन ईयर्स फिफ्टीन ईयर्स का बाद काल को कमा सकता हाँ, है लेकिन अभी का फिलहाल में हम ये चाहते हैं कि समाज के लिए हम भी कुछ करना चाहता हाँ, है एक अच्छा काम चीज़ करना चाहता है और लोग को आगे लेके जाना चाहता है इसलिए ये चीज़ में मेरा बहुत एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है न्यूज़ चैनल उसको रन करना भी बहुत सारा चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, है।, है। कल को हो सकता है मेरा जो रिपोर्टर लो किसी का खिलाफ में बायस में बोल देगा डेफिमेशन केस आएगा ये एक डर का भी महसूस कर रहा है बहुत हमें रेडी होना पड़ता है तो समाइम कभी कभी फील सोचते है कि बहुत एक डर भी लगता है लेकिन सर रिस्क नहीं लेगा तो आप फिक्स रह जाएगा ये जाए। तो इसलिए लाइफ में कुछ करना है तो भी आ, रिस्क भी लेना पड़ेगा तो वही अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा से चल रहा है न्यूज चैनल भी लोग पसंद कर रहे हैं हमारा जो न्यूज चैनल के जो कंटेंट को देख के लोग अप्रिशिएट कर रहा है हमको बहुत अच्छा लगता है और मेरा जितना भी जो क्रू मेम्बर है जो स्टाफ है रिपोर्टर है कैमरामैन लोग है वो भी हम मेरा साथ में काम करके बहुत खुश है एकदम खुशी है भैया आपका जैसे ऑनर लाइफ <laughs> में फर्स्ट पहली बार मिला हमको ये चीज़ फीडबैक देने से हमको बहुत अच्छा लगता है उसका मतलब हम समाज के लिए हम कितना काम कराइए कभी कभी फील करता है तो कभी कभार अभी मतलब आप जब देखते हैं तो अरुणाचल में भी एक्टर लोग भी एक्ट्रेस लोग भी मतलब बहुत कर रहे हैं टीचर वगैरह भी आ गया तो उन उन लोगों को ले के भी आप मतलब काम करना मतलब आगे फ्यूचर में काम करना चाहते हैं मतलब किसी को मतलब

तो ऐसे आर्टिस्ट लोग को यूज़ करना चाहिए आगे लेके जाना चाहिए इवन हम भी यही सोचता है जितना सकता है ये आर्टिस्ट लोग को आगे लेके जाएगा साथ में उसका टैलेंट को यूज़ करेगा नाम कमाने लोग को पहचानने बनाने देगा हम हमेशा ये सोचता है तो बिल्कुल सही लेकिन सर ये मूवी लाइन में अभी अरुणाचल में ये अपना करियर बना सकता है क्या? अभी फिलहाल तो ये तक सिक्योर है फिलहाल तो ऐसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है या मैं एकदम ये कैरियर अपना एक प्रोफेशनली लेके जाके हमको ये सक्सेस होगा कैरियर तक बनाएगा अभी तो हम ऐसे दिखाई नहीं लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा जो पेमा कंदू का जो गवर्नमेंट जो ये इनिशिएट ले रहा है दिल्कुल, जो अभी पुमा में फिल्म इंडस्ट्री अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और सचमुच में वो ये मे इंक्रेजमेंट भी दे रहा है पेमा सर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाँ बहुत ये हमेशा यंग आर्टिस्ट लोग को सपोर्ट करता है सार का हमेशा पेज को हम फॉलो करते हैं सर सुन रहा भी होगा देखता है जितना भी जो यहाँ में कोई कुछ कोई गोल्ड मेडल लेके आता है कोई अवार्ड लेके आते आता है इतना अपना पेज में अप्रिशिएट करता है आई रियली सैलोट वो सार इतना तक हमारा हम चीफ मिनिस्टर पेमा खानदो सर जो एक्ट्रेस करता है तो तो उसमें पता चला है कि हमारा जो युवा के लिए जो अभी आने वाला जो आर्टिस्ट के लिए कितना सोचता है ये चीज़ को तो उम्मीद करता है कि आप टाइम कुछ साल का बाद हमको ऐसे विश्वास है कि हमारा पेमा खांडो सर ये फिल्म इंडस्ट्री को लेके आगे लेके जाएगा एक सक्सेस अगर फिल्म इंडस्ट्री बनाएगा तो डिफिनेटली यहाँ कैरियर आगे लेके जा सकता है हम ये बोल सकता है क्योंकि अभी ये चीज लाइन में भी बोर्ड हमारा अरुणाचल में इम्पोर्टेंट दे रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेंट दे रहा है उसका मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट जो आपको इम्पोर्टेंट दे रहा मतलब कुछ है कुछ तो है कुछ तो है तो उसका मतलब हमारा के रास्ता खुला है और अरुणाचल में मतलब बाकी में इतना नहीं जो अरुणाचल का गवर्नमेंट जितना सपोर्ट करता है यस एग्जैक्टली भी गवर्नमेंट का सपोर्ट के वजह से मतलब बहुत जगह शो करने का भी मौका मिला तो तो अरुणाचल गवर्नमेंट को एज एन आर्टिस्ट दिल से है Yeah, exactly. और अगर फिर से वही टॉपिक में आते हैं वो जब अगर हमारा जो करियर अगर सिक्योर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारा फैमिली और हमारा जो भाई भैया या हमारा अगर हमारा लड़की अगर शादी शुरू होता बीबी या फिर गर्लफ्रेंड तो वो लोग इनसिक्योर फील तो करेगा ही yeah, exactly. कभी आपका लाइफ में ऐसा हुआ कि आपको आ, कि आपका बेहतर हफ हो गया या फैमिली मेम्बर हो गया कि मतलब उस चीज़ करियर को लेके चिंता हुआ हो कि आप छोड़ दो नहीं तो हम आपको छोड़ देगा या फिर माँ बाप आप उससे बेहतर घर में काम करो ऐसा वाला सिचुएशन आया कभी हाँ एग्जेक्टली लाइफ में ऐसे तो इंसिडेंट कभी आया था ऐसे फैमिली फैमिली से भी एक ऐसे एक आया था कि अभी तक तो फिलहाल हम बेचलर है शादी तो ऐसे चीज़ उस वक्त लेकिन गर्लफ्रेंड था मैं जब <laughs> ये लाइन में घुस रहा था तब <laughs> ये जो प्यार या एट्रैक्शन तो तो हर किसी का साथ में होता है लेकिन होता है जब अट्रैक्शन होता है तो ऑब्वियसली जब आपको समय नहीं देता है तो ऑब्वियसली डाउटिंग ये सब शुरू होता है ना ऐसे करके जो काम करा शांति से भी करने नहीं तो <laughs> ऐसे चीज़ बहुत इवन हर किसी का लाइफ में शायद आता भी होगा और आया भी होगा ना तो हम दोस्तों से बहुत देखा दोस्त लोग को बहुत देखा वो इतना लगन से काम कर रहा था लेकिन उसका गर्लफ्रेंड बहुत शक करता है तो मैं मैं इसीलिए आपको वही पूछ रहा था कि आपका भी वही हाल हुआ है आप इतना मेहनत कर रहा हो आपको गर्लफ्रेंड पूरा गाली दे रहा है वो नहीं बिल्कुल भी ऐसे तो मेरा नौबत नहीं आया और हम ये चीज प्यार व्यार में सचमुच में हम ध्यान नहीं दिया हम बस ये फिल्म लाइन में क्योंकि यहाँ गर्लफ्रेंड तो थाना तो है तो 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 ने नहीं गर्लफ्रेंड बोल के लिए दोस्त दो <laughs> जस्ट एट्रैक्शन वाला ऐसे था ना तो कभी कभी ऐसे होता है जब ध्यान नहीं देने से <laughs> ये तुम क्या ये सब करके क्या फायदा है ना ये सब करके क्या मीनिंगलेस वाला क्या है? बोलके गाली गुला सोचो ना बोलके बोल के बहुत सा ऐसे बोला भी था लेकिन ये चीज को भी हम पॉजिटिव लेता है लेकिन सोचना भी गलत नहीं है वो उसका शायद में सही बात है हम उसको भी करता है वो मेरा भलाई के लिए बात करता है हम उसको पॉजिटिवली सोच देता है तो ऐसे करके साम टाइम बहुत क्योंकि ये फिल्म लाइन में अगर आपको अच्छा एक फिल्म मेकर बनना है एक अच्छा एक डायरेक्शन करना है बोलने से ये चीज़ प्यार व्यार ये सब वो थोड़ा से इसको साइड रखना पड़ेगा नहीं तो यह हमें अच्छा सा आप फिल्म मेकर बनने के लिए भी तकलीफ़ होगा क्योंकि जब आप किसी को प्यार होते हैं तो सचमुच में टाइम भी देना पड़ेगा अगर वही लाइन ये ये लाइन में तो आपको दिन रात मेहनत करना हाँ। पड़ेगा आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएगा भी भी। तो ऐसे करके सम टाइम ऐसे भी इंसिडेंट हो जाता है वो सिर्फ मेरा सिर्फ बोलके के नहीं है जो हर फिल्म मेकर को ये जानता होगा मतलब अपना कुछ फेस भी किया होगा बहुत तकलीफ है ये लाइन में ना ऐसे बिल्कुल तो आर सर आप जो हमारे आज आजकल के यूथ हैं ये और जो फिल्म मेकिंग में मतलब इन रुचि इंटरेस्ट होता है कि फिल्म लाइन में इंटरेस्ट होता है फिल्म बनाना चाहते हैं एक्टिंग में या, या कहीं भी मे भी अगर डायरेक्टिंग में भी अगर, अगर इंटरेस्टिंग है उन लोगों का क्या एडवाइस देना चाहेंगे हाँ देखिए मैं जितना भी जो अरुणाचल का जो अभी यंग बर्डिंग फिल्म मेकर है जो अभी कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है कोई म्यूजिक एल्बम बना रहा है कोई फीचर फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है उन सभी को मैं यही एक कहना चाहूँगा देखो हो सकता है आपका जो पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है हो सकता है आपका फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता है लेकिन आपको एक अच्छा फिल्म मेकर बनना है एक अच्छा एक्टर बनना है डायरेक्टर बनना है तो आपको वो चीज़ को गिव अप नहीं करना है पैसा तो हो वो सेकेंडरी चीज़ है लेकिन आपका जो दिल में जो निर्णय लेता है आपका जो हिम्मत है जो आपको जो करना है वो इच्छा जो डिजायर जो आपको समझता है वो चीज़ जो आप कभी भी गिव नहीं होने अगर आप इंटरेस्ट होगा जो भी चीज़ को अगर आप काम करेगा हमको करना है बोलेगा कहीं भी हालत में आप वो चीज़ को कर सकता देखुण, है बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ जो हम लोग का इंसान तो क्या समझता है पता नहीं है वो लोग सोचता है कि मेरा पास टाइम नहीं है हम नहीं कर सकेगा हम इसको नहीं सकेगा ये एक ऑटोमेटिक आपका दिमाग में एकदम फिलहाल महसूस कर लेता है ना हम नहीं सके कर, कर लेता है लेकिन हाँ आपका पास कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन यस आई कैन डू इट हम कर सकता अगर आपका पास दिल में निर्णय लेता है डेफिनेटली यू कैन डू इट कर सकता है इसलिए हम जितना भी जो या अरुणाचल प्रदेश का हमारा जो यंग बदिंग आर्टिस्ट लोग को हम ये कहना चाहूंगा आप मेहनत करते रहो और ये फील्ड में आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा बिल्कुल आपको एक बार करेगा दो बार करेगा छोड़ देगा बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा आपको लगातार ये चीज़ टेक्निकल बोलेगा जैसे एडिटिंग में लगातार बैठ के एडिटिंग करना पड़ेगा या आपको पैसा तो तकलीफ होता है मैनेज करने के लिए लेकिन आप करेगा बोलने से कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं है। लेकिन हम लोग शुरुआत में हार मान जाता है हम नहीं सकेगा बोल के ना ऐसे नहीं होना चाहिए इसलिए जितना भी जो मेरा हमारा प्रदेश का जो आर्टिस्ट है जो यंग बदिंग आर्टिस्ट है डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है जो जो भी जो भी एक्टिंग कर रहा है, उन सभी से मैं यही एक कहना चाहूँगा कि आप मत करो। बिल्कुल। आप आगे बढ़ते रहो <स्थित्थ> आपका हिम्मत नहीं हारना चाहिए नहीं। ये एक संदेश मैं देता हूँ सर थैंक यू हमारे जो व्यूअर्स है उसको आप इतनी जरूरी मतलब एडवाइस देने के लिए जो स्पेशली हमारे यूथ जो मतलब फिल्म लाइन में इंटरेस्ट रखते रुचि रखते हैं उन लोगों को इतना अच्छा एडवाइस देने क्योंकि गिव अप मेंटली अगर आप गिव अप करेगा आप आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपको खुद को पुश करना जब आप इतना लो समय में आपको खुद को बार बार पुश करना पड़ता है तब जाके आप फील्ड में भी आगे बढ़ पाते हो और वहाँ से आपको पीछे नहीं होता आप वहीं पर खड़े रहो या आराम कर लो बस पीछे नहीं आता ना होते सर आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया लेकिन सर हमारा सवाल जवाब यही खत्म होता है लेकिन अभी रेपिड फायर हम लोग रेपिड फायर हम लोग रखे हैं हम हम लोग आपको अभी आपको हम क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत जल्दी में आप, हमको जवाब देना होगा ओके okay. तो रेडी यस सर तो बीइंग फिल्म मेकर ऑफ स्टेट आपका फेवरेट एक्टर कौन है फेवरेट एक्टर जो ना <coughs> <coughs> फिलहाल तो <थुँ coughs> राना खजा अच्छा लगता है उसका एक्टिंग को यस राना कोंझा काफ़ी अच्छा एक, उसका एक्टिंग करता है ये चीज़ को हम पसंद लगा उसका एक्टिंग और जब ये बोलेगा तो जैसे कि हम लोग का ची सर बोलते हैं ना तय ये काफ़ी फाइव इयर्स बैक का उसका एक्टिंग का और लेख है उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये दोनों का एक्टिंग हमको बहुत अच्छा लगता है फेवरेट एक्ट्रेस एक्ट्रेस बोलेगा जैसे कि अभी जैसे तबारे मालूम तो वो लोग अच्छा लगता है वो लोग का एक्टिंग और ये रीनू आदो तो पता ही है हाँ। उसको तो बहुत अच्छा है। वो तो एकदम दिल से एक्टिंग करता है उसको तो हम देखा है ये दोनों बहुत अच्छा एक्टिंग करता है फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर सिंगर तो बोलेगा तो जैसे कि अभी हमारा जैसे अभी तासी वंशुल अच्छा गाता है और या जो स्पेशल फिल्म लाइन में बोलने से वो लोग भी तो अच्छा गाता है और ये बालोदीम वो लोग भी अच्छा गाता है और बहुत सा है जो हम नाम पता नहीं है याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं और तब तो फेवरेट डायरेक्टर अभी हाँ फेवरेट डायरेक्टर हम ये तापिन का अच्छा लगता है और हाँ। ये इतने एनों का बहुत हाँ। अच्छा लगता है हमको फेवरेट कॉमेडियन कॉमेडियन तो अभी बोलेगा तो हम लोग का एकदम चक तक ना बासनी भाई हमारा सिपाही जिले में पड़ता है भाई को उसका कॉमेडी अच्छा लगता है और फेवरेट मेल मॉडल मेल मॉडल बोलेगा तो अभी किसको याद नहीं आ कौन कर रहे मेल मॉडल है अभी कोई कुछ दिमाग में नहीं आ रहा <laughs> कोई कोई बात नहीं फेवरेट फीमेल मॉडल फीमेल मॉडल बोलेगा तो अभी मिस का ना मिस एक uh, uh, मॉडल uh. था ना मिस भी मेसेज भी हो गया था ना मिस मेसेज बोलेगा तो हम ये संगे तंग मैडम

तो थैंक यू सो मच फॉर वेल्किंग शो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर आप फिल्म लाइन में रहेंगे हम भी फिल्म लाइन में रहेंगे तो हम एक sure. साथ काम करने का मौका मिलेगा सर थैंक यू थैंक यू सो मच आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है तो so नेक्स्ट हम लोग और इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके आएंगे आप सभी के लिए तब तक के लिए ये चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और अपने दिल की जो ते विचार है उसको कमेंट सेक्शन में भर दीजिए थैंक यू